नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो कर्नल सिंह रेसिडेंस। पायलिया खनकी के ना। चेतन खनकी खनकी जो बोलना है जल्दी बोलो। कमरिया लचकी के ना। ओह चेतन प्लीज डैडी घर पर हैं। शाम को 6 बजे नगीन पॉइंट पे मिलना। ठीक है मैं 6 बजे नगीन पॉइंट पहुंच जाऊंगी। बस बाय। अगर हमारी ये मुलाकातें तुम्हारे डैडी की परमिशन के साथ होती तो क्या मजा आता। खाक मजा आता समझो। फिर आज से पहले ये धुंध भरा शहर इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा था। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वो झील का हिस्सा तुम्हें दिखता है? वहां एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी हुई। लड़की का घर उस टीले पर था। लड़का शिकारा चलाया करता था। जब लड़की का बाप खेतों में काम करने जाता था तब लड़का अपने शिकारे में बैठ चुपचाप उसी लड़की से मिलने आया करता और नीचे से जोर से आवाज लगाता, रेशमा रेशमा पूछे से प्यार करो। लोग कहते हैं कि वो आवाज आज भी वहां गूंजती है। जी चाहता है कि मैं भी उस लड़के की तरह तुम्हारा नाम पुकारूं। पायल पायल I love you। पायल मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूं। अफनून सर कैसे आप? प्यार करते हैं कहाँ है वो? वो पर्दे के पीछे। कौन सा पर्दा? अरे भाई हजारों संत महात्मा इस पर्दे को हटाने की कोशिश में नाकाम रहे और तुम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आज इस पर्दे के पीछे का राज जानना चाहते हो? मेरे सामने मार्फत और साधु महात्माओं की बात ना करो। अपने बाजीगर बेटे को समझा दो कि कर्नल भगवंत सिंह के खानदान के साथ चालबाजी ना करे। कर्नल भगवंत सिंह आपकी असल तकलीफ क्या है? तुम्हारा लड़का जिसे तुमने सिखा बुझाकर मेरी लड़की पर डोरे डालने को कहा है ताकि तुम्हारा नीलाम शुदा मकान तुम्हें वापस मिल जाए। कर्नल मुझे इस काम के लिए अपने बेटे की मदद की जरूरत नहीं। दौलतराम अगर 3 पत्तों से 1 मकान हार सकता है तो इन्हीं 3 पत्तों से दौलतराम 10 मकान जीत भी सकता है। और बाकी रही तुम्हारी लड़की और मेरे लड़के की बात तो कर्नल लड़के लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे तो क्या लड़कों का पीछा करेंगे? मैं तुम्हारी अहमकाना फलासफी सुनने नहीं आया। अगर अपनी लड़की के साथ मैंने दोबारा तुम्हारे बेटे को चलते घूमते देखा तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जी 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 मैंने इस लड़की को देखा तक नहीं। देखा तक जी, नहीं? मैं इस लड़की को मिला भी नहीं। मिला भी नहीं? बिल्कुल नहीं मिला। देखा भी नहीं मिला भी नहीं? क्यों नहीं मिले जी? अरे लड़की से जरूर मिलना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलता तो आज तुम इस पर्दे के पीछे कैसे छुपते? कैसे छुपते? और अगर तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे तो कल तुम्हारा बेटा इस पर्दे के पीछे कैसे छुपेगा? और सुनो एक बात और सुनो, अगर फिर कभी मौका मिले तो अपने होने वाले ससुर के कोट की सिर्फ ये बाह मत उड़ाना, पूरा कोट उड़ाना। क्यों? अरे तुम्हारे बाप के काम आएगा। कोई बहस नहीं होगी, ना तुम उस लड़के से कभी मिलोगी और ना इस कमरे से बाहर जाओगी। ये ऑर्डर कब तक रहेगा? जब तक कि मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे खानदान के शरीफ लड़के से नहीं करवा देता। क्या आप चेतन को एक शरीफ और खानदानी लड़का नहीं समझते? चल अब, उस जवारी के बेटे को तुम शरीफ और खानदानी कहती हो, उस बाप बेटे की नजर तुम पर नहीं तुम्हारी दौलत पर है। तस्लीम चाचा जान, मैं शमीम हूँ। ओहो जीती रहो बेटी जीती रहो।
पायल घर में है? हाँ हाँ अपने कमरे में है, जाओ। थैंक यू। चली जाओ। हाय शमीम। हाय पायल। चेतन, ओ चेतन, 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 चेतन। मैं जानती थी तुम किसी न किसी तरह जरूर आओगे। अरे कैसे नहीं आता पायल, अगर तुम्हारे डैडी शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, मेले पे डलना। चेतन क्या हुआ? डैडी डैडी आ गए। मगर पायल जब तक हम झील के जंगली पेड़ पौधों को देख न ले, हम अपने बायोलॉजी का पेपर कैसे कर सकते हैं? वो तो ठीक है शमीम, पर मैं इस कमरे में कैद हूँ। कैद क्यों? डैडी का ख्याल है कि मैं इस कमरे से निकलती सीधी चेतन के घर चली जाऊंगी। हाउ सिली, चेतन है ही कहाँ? वो मैं क्या जानू? अरे वो तो दिल्ली गया, यू डोंट नो। तू जानती नहीं उसके मामू को बड़ा सख्त हार्ट अटैक हुआ है। हाउ सैड। अब तो वो छुट्टियों के बाद ही आएगा। लेकिन मेरे डैडी को कौन समझेगा? वो तो यही सोचते हैं कि चेतन हर वक्त हर पल हर घड़ी मेरे सामने होता है। उनका बस चले तो यही समझेंगे कि अभी भी मैं चेतन के साथ हूँ। रियली? आर्मी के आदमी है ना, इसलिए दुश्मन से हर वक्त बहुत चौकन्ने रहते हैं। लेकिन सच पूछो पायल, चेतन इस लायक है भी नहीं कि तुम उससे मिलो। मैं तो डैडी की रोक टोक की जिद में मिलती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं चाजान से झील तक जाने की इजाजत लेती हूँ। तुम जाके कपड़े बदलो। तुम्हारे सामने मैं कैसे कपड़े बदलूं? अरे शमीम से कैसी शर्म। चेतन तस्लीम चाचा। आ बेटी आ बेटी। पायल घर में है? पायल अपनी सहेली शमीम के साथ बाहर गई। शमीम? शमीम तो मैं हूँ चाचा। पायल मैं चोरी छुपी मुलाकातों से तंग आ गया हूँ यार। अगर कब तक मिलते रहेंगे ऐसे कुएं के पास? अपने डैडी को जल्दी से मना लेना यार। यही तो मुश्किल है चेतन, डैडी कोई बात जल्दी से मानते नहीं। उफ यार बड़ा पैड़ा है, पैड़ा आदमी है। ठीक है अगर तुमसे नहीं होता तो मैं जाता हूँ उनके पास। मालूम है क्या कहूंगा? क्या? लिसन रिटायर्ड कर्नल भगवंत सिंह, यू ब्लडी फैट ऑल फॉगी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे बादलों की सैर करा सकता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और आप हैं जो एक बीच में अपनी कद्दू जैसी टांग बीच में अड़ाए हुए हैं। तुम ऐसे बोलोगे? Of course. तुम्हें इतनी हिम्मत है? ले, मैं किसी से डरता हूँ क्या? अरे अम्मी जान पानी भरिए ना। मैं किसी से डरता हूँ क्या? जाके सीधा बोलना है, लिसन फादर इन लॉ, मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ और कुछ ही महीनों में आप मेरे बेटे के नाना बनने वाले हैं। बेटी के बेटी के? ओ यार जितनी जल्दी में मैं हूँ ना शायद दोनों ही हो जाए, क्या मालूम किसी को भाई। अरे अम्मी जाना पानी भरिए ना, सर पे की खोड़ी है, पानी भरिए। देख अब जनवरी 1980 है, अरे अम्मी जान आपको शर्म नहीं आती क्या? खड़े होकर हमारी बातें सुनते हुए आप हम दोनों को शर्मिंदा कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ दो प्रेमी हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है? अरे अंकल आप भगवान पिस्टल ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।